हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो। तो आज हम लाइटरूम की मदद से फ़ोटो को एडिट करेंगे। सबसे पहले फ़ोटो को एडिट करने के लिए लाइटरूम में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन लाइट पर क्लिक करना है। इसके अंदर एक्सपोजर को घटा देना है, मिनिमम -0.6, और इसकी कॉन्टेस्ट को बढ़ा देना है 11, और इसकी हाईलाइट को भी बढ़ा देना है 24, और शेडोज को माइनस कर देना है -9, और वाइडनेस को भी बढ़ा देना है मिनिमम 10, और इसके ब्लैक्स को डाउन कर देना है मिनिमम 11। इसके बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें मिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट कलर है, इसमें सैचुरेशन को बढ़ा देना है 69, और ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा देना है 11। इसके बाद रेड कलर पर क्लिक करना है। इसके अंदर सैचुरेशन को डाउन कर देना है लगभग 19, और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है 15। फिर येलो कलर पर क्लिक करना है। इसमें ही को डाउन कर देना है फुल, और सैचुरेशन को बढ़ा देना है 84 तक। इसमें नेक्स्ट कलर ग्रीन पर क्लिक करना है। इसमें हुई को डाउन कर देना है फुल, और सैचुरेशन को फुल बढ़ा देना है, और ल्यूमिनेंस को माइनस कर देना है। इसके बाद एशियन कलर पर क्लिक करना है। इसमें सैचुरेशन को बढ़ा देना है लगभग 21, और इसके बाद नेक्स्ट कलर ब्लू पर क्लिक करना है। इसमें हुई को डाउन कर देना है -61, और सैचुरेशन को बढ़ा देना है 78 तक, और नेक्स्ट कलर पर क्लिक करना है, और इसमें सैचुरेशन को बढ़ा देना है। नेक्स्ट कलर पर क्लिक करना है। इसमें हुई को बढ़ा देना है 28, और सैचुरेशन को बढ़ा देना है 64 तक, और ल्यूमिनेंस को घटा देना है 10। इसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद टेम्परेचर को बढ़ा देना है 7, और टिंट को भी बढ़ा देना है 6, और वाइब्रेंस को भी बढ़ा देना है 12, और सैचुरेशन को डाउन कर देना है 21। इसके बाद वेगनेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और वेगनेट को भी डाउन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको ऑन कर देना है। इसके बाद देखो फोटो एडिट हो चुकी है। पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।